भी एक माननीय हमारे अलवर जिले से ही विधायक हैं, वो भी ध्यान से सुन लें। आपकी सरकार में 2019 में 4,718 करोड़ की घोषणा की थी अलवर जिले को पानी पिलाने की, वो कहाँ लगा है, उसकी DPR कहाँ है, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो सदन के अंदर देने की कृपा करें। सरदा से पानी आ गया, ढोल बजाओ, वो ढोल वैसे के वैसे रह गए, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला। ये राजस्थान के एक विकास का नया निर्माण जो शुरू हो चुका है, कांग्रेस उस निर्माण की नींव के अंदर दब जाएगी और आने वाले समय पर कांग्रेस राजस्थान से बिल्कुल भी आपको देखने को ढूंढने को नहीं मिलेगी। पिछले 5 वर्ष की सरकार को भी हमने देखा है, उस बजट की घोषणाएं तो ये भूल चुके हैं कि इन्होंने कितनी घोषणाएं की थी और धरातल पर कहीं एक काम भी इनकी घोषणाओं का पूरा हुआ हो, ऐसा हमें राजस्थान में देखने को कहीं नहीं मिलता है। आपने सरकार को या लोगों के बीच में ये खाली बजट के माध्यम से, उन घोषणाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का काम तो अवश्य रूप से इन लोगों ने पिछले 5 वर्ष में किया। जैसे ही बजट की घोषणा होती थी तो वर्तमान में जो पूर्व में सरकार थी उस सरकार के नेता अपने क्षेत्र में जाकर ढोल बजाते थे, लेकिन उस बजट के घोषणा के अनुरूप कोई भी काम धरातल पर हमको देखने को नहीं मिला। जिसमें मैं मानता हूं कि स्कूलों की पिछली सरकार में स्कूलों का क्रमोदन करना ये रोज़ की घटनाएं थी, स्कूल पर उस स्कूल का 10वीं से 12वीं कर देना, उसका बोर्ड बदल देना, केवल उतने मात्र से स्कूल वो हायर सेकेंडरी नहीं हो जाता, उसके अंदर अध्यापकों की नियुक्ति भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, तब जाकर वो स्कूल उस लायक बनता है। लेकिन इस दिशा में पिछली सरकार में कोई भी काम हम सबको देखने को नहीं मिला और आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात को बोलने का, क्योंकि आप स्वयं का बजट नहीं जानते हो कि कितना आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में घोषणाओं का पिटारा खोला और जनता को आपने क्या दिया। अभी एक माननीय हमारे अलवर ज़िले से ही विधायक हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि अभी नेता प्रतिपक्ष अलवर ज़िले से वो भी पहुँच चुके हैं, वो भी ध्यान से सुन लें, उनको भी मैं बहुत ध्यान से सुनता आया हूँ। आपकी सरकार में 2019 में अलवर में पेयजल के लिए जो पहला बजट था, उस पहले बजट में आपने 4,718 करोड़ की घोषणा की थी अलवर ज़िले को पानी पिलाने की। उस 4,718 करोड़ रुपया जो आज से लगभग 5.5 वर्ष पहले आपने घोषणा की थी, वो कहाँ लगा है, उसकी DPR कहाँ है, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो सदन के अंदर देने की कृपा करें। उसके बाद आपने आगे चलकर आपके खुद के फेसबुक पेज पे आपने ट्वीट किया था, उस पर सोशल मीडिया पे डाला था कि भाई इसरदा से पानी आ गया, ढोल बजाओ, वो ढोल वैसे के वैसे रह गए, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला है, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला है। इनके कार्यालय पर खूब ढोल बजाए गए, खूब इनको साफे पहनाए गए कि मंत्री जी पानी ले आए, भाई पानी ले आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलवर और अलवर के साथ उन सभी 13 जिलों को पानी पिलाएगी, बस आप लोग ध्यान रखना कि उस पानी में आप कभी डूब के मत मर जाना, क्योंकि वो इतना पानी आएगा कांग्रेस को ले डूबेगा, वो सदा सदा के लिए ले डूबेगा। इन 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा और इस बजट के अंदर जो बातें हमारी भजनलाल जी सरकार ने जो लिखी हैं, ये घोषणा आपके लिए होगी, ये हमारे लिए घोषणा नहीं है, ये एक संकल्प है जो आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार पूरा करेगी और इस संकल्प की नींव जो भरनी अभी से शुरू हो चुकी है, ये राजस्थान के एक विकास का नया निर्माण जो शुरू हो चुका है, कांग्रेस उस निर्माण की नींव के अंदर दब जाएगी और आने वाले समय पर कांग्रेस राजस्थान से बिल्कुल भी आपको देखने को ढूंढने को नहीं मिलेगी। अभी बोल रहा हूँ भाई अभी मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट के माध्यम से जो विपक्ष की बौखलाहट है, ये बौखलाहट देखते ही बनती है। विपक्ष ने पिछले 5 वर्षों के अंदर जो झूठ का ढोल बजाया और जनता ने ऐसा ढोल बजाया कि उसको विपक्ष में बैठा दिया, अभी इस बजट के माध्यम से जो घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को और हर एक विधानसभा को मिलने वाला है। अंतर मन से तो विपक्ष भी खुश है
इस बजट को देखकर सुनकर, क्योंकि उनको भी विश्वास है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल जी के इस भाव से ये जो सरकार हमारी हरियाणा और साथ में राजस्थान और साथ में गुजरात, इन चारों आसपास के प्रदेशों में हमारी जो चली है, ये सरकार हमारे राजस्थान के विकास के एक एक कार्य को पूरा करेगी। और विपक्ष को ये चिंता आज से ही सताने लगी है, जो पहला बजट है, कि आने वाले चार बजट जो और आने वाले समय में होने वाले हैं सरकार के, उनमें राजस्थान के विकास को किस प्रकार से ये सरकार आगे ले जाएगी। इस प्रकार से ले जाएगी कि विपक्ष जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय विपक्ष चुनाव से भागता हुआ नजर आएगा, ऐसा प्रतीत आज की आपकी दशा देखकर हमें होता है।